और आदिवासी तथा आर्थिक रूप से दबे कुछ लोगों को एवं अल्पसंख्यक के हक में हकों की लड़ाई लड़ने वाले मानव श्री काशीराम जी के जन्मदिन को भी दिवस को भी राष्ट्रीय स्तर पर दिवस घोषित कर दिया जाता, लेकिन आप केवल 50,000 सरकारी नौकरियों के विज्ञापन को दिखा दें तो ये मान लिया जाएगा कि आपने लाखों युवाओं को नौकरी सरकारी नौकरी दी है, अन्यथा यह भी एक चुनावी जुमला ही साबित होगा। तो आदरणीय बहन कुमारी मायती जी ने 129 रुपए से गन्ने का रेट बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट देने का काम किया, जिससे किसान मजबूत हुआ, और जब किसान मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर देश प्रगति की तरफ जाने का काम करेगा। तो आप किसान के गन्ने का रेट 550 रुपए क्विंटल करेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे हमारा किसान मजबूत होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा अपने अभिभाषण में राष्ट्रहित में बनाए गए नीतियों पर सार्थक संवाद होने की बात कही गई है, जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब इस लोकतंत्र में मन से संविधान से संविधान में विश्वास रखने और संविधान को दिल से पूरे देश में जाति पाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच भेदभाव बिना लागू करना और उसके मुताबिक लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह करना अनिवार्य किया जाना होगा। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में देश के संविधान को लागू होने के 75वें वर्ष के होने के उपलक्ष्य में अमृत काल और अनेक प्रकार के महोत्सव आयोजित कर अमृत महोत्सव का जश्न मना रही है, इसका मैं सम्मान करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। कि हमारे संविधान के प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए समय समय पर देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इस संदर्भ में स्वतंत्र सेनानियों जो गुमनाम हैं उनको याद किया जा रहा है। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अमृत महोत्सव के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कर्तव्य पथ पर लगाए जाने की जानकारी दी है। साथ ही साहिबजादों को याद में वीर बाल दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है, और देश के विभाजन की विभाजिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस घोषित किया गया है। सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग भी रखना चाहता हूं कि देश में बेजुबानों को आवाज, दलितों को सम्मान, पिछड़ों को अधिकार और आदिवासी तथा आर्थिक रूप से दबे कुछ लोगों को एवं अल्पसंख्यक के हक में हकों की लड़ाई लड़ने वाले मानव श्री काशीराम जी के जन्मदिन को भी दिवस को भी राष्ट्रीय स्तर पर दिवस घोषित कर दिया जाता तो एक बहुत बड़ी देश की आबादी को अपने राष्ट्रीय स्तर के महानायक को भी सम्मान मिलते हुए देखकर तन मन धन से उक्त दिवस पर इस अमृतकाल के वर्षों में बढ़ चढ़कर भाग लेने तथा राष्ट्रहित में सेवा करने के लिए तत्पर होता। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पिछले साल जो मेरी सरकार ने मिशन मूड में लाखों युवाओं को नौकरी दी है, इसके लिए मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार सरकारी नौकरी की सूची नहीं थे, लेकिन आप केवल 50,000 सरकारी नौकरियों के विज्ञापन को दिखा दें तो ये मान लिया जाएगा कि आपने लाखों युवाओं को नौकरी सरकारी नौकरी दी है, अन्यथा यह भी एक चुनावी जुमला ही साबित होगा। आध्यात्मिक रूप से सदियों से प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में हस्तिनापुर, मेरठ में हस्तिनापुर को भी देश में विकसित हो रहे अन्य पर्यटन स्थलों की तर्ज पर विकास हो, व बिजनौर में बिजनौर कोटी का जो जहां पर तमाम माननीय मंत्रीगण समय समय पर जाते रहे हैं उसका विकास हो। साथ ही अमानगढ़ और कालागढ़ जो एक पर्यटक स्थल है, मैं चाहता हूं आपके माध्यम सरकार से उसको पर्यटन स्थल में तब्दील करके अमानगढ़ और कालागढ़ को भी एक अच्छा विकसित करके एक पर्यटन स्थल का दर्जा आप लोगों को कराना चाहिए। आज के मेरे संसदीय क्षेत्र में गुलदार की बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है। गुलदारों ने तमाम मवेशियों को, पुरुषों को, महिलाओं को सैकड़ों की तादाद में उन पर आक्रमण करके उनको मारने का काम किया है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम सरकार से कि सरकार पिछड़ों को जान, महोदय आपके माध्यम सरकार से मांग करता हूं कि वन क्षेत्र की तारबंदी की जाए, वे गुलदार को पकड़ने के लिए बड़े बड़े पिंजरे लगाए जाएं और साथ में सीसीटीवी कैमरों भी लगाए जाएं, जिससे निगरानी रखी जाए और पास में जो गांव
उसके नजदीक वन क्षेत्र में आते हैं वहां सरकार ठीक है सोलर लाइट की व्यवस्था लगाने का मानवर एक मिनट बस जी सोलर लाइट की भी लगवाने की व्यवस्था करे। महोदय मैं आपका ध्यान देश के विकास पर आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस तरीके से सरकार में गन्ने का रेट इस 7 वर्ष में माने हमारे साथी जो बिजनौर से सांसद हैं माले मनोज नागर साहब ने भी गन्ने के रेट के बारे में कई बार इस सदन में सरकार को अवगत कराने का काम किया है। इस गन्ने का रेट मात्र 7 साल में 3 बार बढ़ा है। एक बार 25 रुपए, 10 रुपए और इस बार भी 10 रुपए बढ़ाने का काम किया है। तो मैं आपसे चाहता हूं अगर आप चाहते हैं कि किसान का हित हो, किसान की आमदनी दुगनी हो, तो देश में आदरणीय बहन कुमारी मैत्री सरकार उत्तर प्रदेश में 2007 में बनी थी। 2007 से पहले गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में 129 रुपए क्विंटल हुआ करता था, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी ने किसानों की तरक्की को देखा और समझा कि जब देश का किसान मजबूत होगा तब ये देश तरक्की करने का काम करेगा। तो आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी ने 129 रुपए से गन्ने का रेट बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट देने का काम किया, जिससे किसान मजबूत हुआ और जब किसान मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर देश प्रगति की तरफ जाने का काम करेगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसान की आमदनी आप दुगना करना चाहते हो तो कम से कम जिस तरीके से तमाम डीजल का रेट, तमाम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो मशीनरी का रेट जो बढ़ा है, तो आप किसान के गन्ने का रेट 550 रुपए क्विंटल करेंगे तो निश्चित तौर पे ये हमारा किसान मजबूत होगा। और इस बजट में आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।